नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। पीएम नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का विस्तार हो गया है और अब मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी मिलना शुरू हो गया है। बिहार की बात करें तो लोजपा संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस को नरेंद्र मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी दी गई। आपको बता दें कि ये मंत्रालय जो है इससे पहले राम विलास पासवान के पास था और अब उनके भाई पशुपति पारस को ये मंत्रालय दिया गया। वहीं गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरा से सांसद है वो, तो उन्हें ऊर्जा मंत्री, देश के ऊर्जा मंत्री जो है वो आरके गए हैं। आरसीपी सिंह की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार के सबसे खासम खास जेडीयू से सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में, और वो आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह को बनाया गया है इस्पात मंत्री, इस्पात मंत्री बने। इसी तरह अगर सिलसिलेवार तरीके से देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि अश्विन वैष्णव को रेल मंत्री बनाया गया। उनके पास आईटी मिनिस्ट्री भी रहेगी, जबकि पीएम मोदी साइंस व टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री देखेंगे। पीयूष गोयल की अगर बात करें तो कपड़ा मंत्रालय वो वाणिज्य मंत्रालय जो है वो अब पीयूष गोयल के पास रहेगा। इसके अलावा देश के नए पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी को बनाया गया है, उनके कद में विस्तार हो गया है। जबकि शिक्षा मंत्रालय की बात करें धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। कांग्रेस और बीजेपी में आए ज्योतिराज सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला व बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ललन सिंह इस बार मंत्री नहीं बनाए गए जेडीयू कोटे से, लेकिन आरसीपी सिंह को बड़ा मंत्रालय मिला है। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है, पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है, और अगर बात करें गिरिराज सिंह को तो गिरिराज सिंह अब ग्रामीण विकास मंत्री हो गए हैं। फिलहाल जिस तरीके का फिर बदल हुआ, कई नए चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो सबसे अहम की रविशंकर प्रसाद को की छुट्टी जो है वो केंद्रीय कैबिनेट से हो गई है। आने वाले वक्त में बिहार में जिस तरीके से मंत्रियों को बनाया गया और जिस तरीके से रविशंकर की जो एग्जिट हुई है उसको लेकर भी बयानबाजी आने वाले वक्त में तेज होगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया, आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है, वहीं गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री अब कहलाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़।